नमस्कार, आर एन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो आपको बता दें यूपी से सामने आ रही है। यहां पर यूपी में स्कूलों का कायाकल्प होगा। उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प जारी, जहां पर ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों की स्मार्टनेस और प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों की स्मार्टनेस को बढ़ाया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के लिए होंगे अनुकूल फर्नीचर। निजी स्कूलों को टक्कर देने की तैयारी में सरकारी स्कूल। आपको बता दें 30,000 माध्यमिक विद्यालयों का होगा नवीनीकरण। ऑडियो और वीडियो प्रोजेक्ट के साथ स्मार्ट का क्लासरूम बनाए जाएंगे। पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब, साइंस लैब की भी होगी सुविधा। आर्ट रूम के साथ साथ वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की छात्रों के लिए काफी अहम खबर, जहां पर 30,000 माध्यमिक विद्यालयों का नवीनीकरण होगा। इसी के साथ ही स्मार्ट क्लासेस भी लगाई जाएंगी। स्मार्ट स्कूल बढ़ाने के लिए स्कूलों का कायाकल्प ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के लिए और शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया जाएगा, जहां पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब की सुविधा भी अब सरकारी स्कूलों में मिल सकेगी। आर्ट रूम के साथ साथ वाईफाई की भी सुविधा बच्चों को अब दी जाएगी। छात्रों के लिए एक अहम कदम सरकार की तरफ से यहां पर, जहां यूपी में स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा और इसी के तहत अब स्मार्ट क्लासेस लगाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू कर दिया गया है और इसी ऑपरेशन के तहत स्कूलों की स्मार्टनेस बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए सरकारी स्कूलों में नवीनीकरण किया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में होंगे अब अनुकूल फर्नीचर और छात्रों के लिए फर्नीचर की बेहतर सुविधा। साथ ही निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए सरकारी स्कूलों में एक अहम मुहिम चलाई जाने वाली है, जहां पर स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। 30,000 माध्यमिक विद्यालयों का नवीनीकरण करने की योजना सरकार की तरफ से सामने आई है और इस योजना के तहत ही ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट के साथ साथ क्लासेस की जाएंगी और इसी के साथ ही फर्नीचर को लेकर भी विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है। पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब, साइंस लैब की सुविधा भी अब छात्रों को दी जाएगी। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने पर वहां पर पहली पूजा इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से होने जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में सचिवालय में एक बैठक हुई, जहाँ चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा के दौरान अतिथि सत्कार और प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में वहां की वहन क्षमता से अधिक यात्रियों का प्रवेश न हो, उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने भूस्खलन और मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों का विकल्प खुला रखने पर भी जोर दिया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि यात्रियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। बता दें कि चारधाम यात्रा का संचालन 3 मई से शुरू होने जा रहा है और कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से यात्रा का सफल संचालन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही सरकार के पास व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कुछ ही वक्त बचा है और इसी दौरान 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट भी खोले जाएंगे। 3 मई को बाबा केदारनाथ के भी कपाट खोले जाएंगे और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। और उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अक्सर ही अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में साक्षी महाराज ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक विवादित संदेश पोस्ट किया। एक फोटो शेयर करते हुए साक्षी महाराज ने यहाँ पर अपने पोस्ट में कहा है कि जिहादी भीड़ से बचने के लिए पुलिस नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए उन्होंने लोगों को अपने ही घरों में कांच की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें और तीर कमान रखने की सलाह दी। बीजेपी सांसद के इस विवादित बयान की काफी आलोचना भी हो रही है। हालांकि साक्षी महाराज का ये कहना है कि इसमें कुछ भी भड़काऊ नहीं है। बता दें कि सांसद साक्षी महाराज ने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि अगर ये भीड़ अचानक आपकी गली मोहल्ले या घर में आ जाए तो इसका उपाय है। ऐसे मेहमानों के लिए हर घर में ये होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स की 1 या 2 डब्बे और कुछ तीर, जय श्री राम। अपने संदेश के साथ ही उन्होंने एक सड़क पर लाठियां से गैस और लोगों लाठियों से लैस लोगों की भीड़ की एक पोस्ट की तस्वीर भी शेयर की है।
और इसी बीच हनुमान चालीसा को लेकर पैदा हुआ विवाद अब और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर खूब सियासत भी होती दिखी और इसी मामले को लेकर अब मुंबई से दिल्ली तक सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा इस वक्त मुंबई की जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मिलकर अपने ऊपर हुए हमले की उन्होंने जानकारी दी। साथ ही महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल भी उन्होंने खड़े कर दिए हैं। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता फहमिदा हसन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा के साथ साथ धार्मिक पाठ करने की भी इजाजत मांगी। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि मैं फहमिदा हसन खान कांदिवली मुंबई महाराष्ट्र आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर हनुमान चालीसा नवकार मंत्र गुरु ग्रंथ और नौविन्यु को पढ़ने की अनुमति दी जाए। कृपया दिन और समय मुझे बताएं। वही महासन ने यह भी कहा कि पीएम मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्म प्रार्थना करने की इजाजत मांगी, क्योंकि अगर इसी तरीके से हम हिंदुत्व और जैनिज्म जगा सकेंगे तो ये अच्छी बात होगी। आगे ये भी कहा कि ऐसा करके अगर हम देश को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, जैसे महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी कम हो सकती है और देश की भुखमरी अगर खत्म हो सकती है, तो ऐसा जरूर होना चाहिए। और इसी बीच रुक करेंगे उत्तराखंड का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रविवार को फिर से दोहराया है कि उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू की जाएगी, लेकिन मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने का निर्णय लिया है। कहा जा रहा है कि इसके बाद यूपी में भी कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में सब लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किसी तरह की समस्या नहीं है, उसके निदान के लिए कुछ नई बात की जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ पर सवालिया अंदाज में यह भी कहा कि बिहार में कॉमन सिविल कोड आखिर क्यों लागू होगा। उन्होंने पूछा कि सवाल ही नहीं उठता है और बिहार के लोग मिलजुल कर रह सकते हैं, इसीलिए ये प्रश्न उठता ही नहीं। तो विकास के मामलों में बिहार के जहानाबाद जिले के लिए रविवार का दिन बहुत बड़ा रहा। यहाँ पंचायती राज में बेहतर काम करने के लिए बिहार के जहानाबाद को पीएम नरेंद्र मोदी ने दो दो पुरस्कार से नवाजा है। इसी के साथ ही जहानाबाद बिहार का ही नहीं बल्कि देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जिससे पंचायती राज में बेहतर काम करने के लिए दो दो पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के जहानाबाद सदर प्रखंड की मादल पंचायत के मुखिया बबलू कुमार को दो दो पुरस्कार से सम्मानित किया। जहानाबाद के डीएम हिमांशु कुमार राय ने भी मुखिया बबलू कुमार को पुरस्कार और सम्मान पत्र दिया। इसी दौरान जिला प्रशासन और मुखिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। विकास के रास्ते पर अग्रसर इस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भी दिया गया है। ये बड़ी उपलब्धि जिलेवासियों को गौरवान्वित करने वाली है। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में आयोजित होना था, लेकिन फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया जाना पड़ा। तो वही गदर और कहो ना प्यार है जैसे सुपरहिट फिल्में देने वाली फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल मुश्किलों में पड़ सकती हैं। अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ खंडवा के सिटी कोतवाली थाने में धोखाधड़ी करने का आवेदन दिया गया है। बता दें कि 23 अप्रैल को खंडवा के नवचड़ी देवी धाम में होने वाले स्टार नाइट में अमीषा पटेल को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो मात्र 3 मिनट ही स्टेज पर रही और फिर वापस लौट आई। इसी से आहत होकर खंडवा के समाज सेवी ने अमीषा पटेल के खिलाफ कार्रवाई करने का खंडवा के सिटी कोतवाली को आवेदन दिया है। खंडवा के प्रसिद्ध नवचड़ी देवी धाम में लगने वाले इस मेले के समापन अवसर पर हर साल फिल्म स्टार नाइट होती है। पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस के चलते यहाँ फिल्म स्टार नाइट नहीं हो पाई थी और इस बार नवचड़ी देवी धाम के महंत बाबा गंगाराम ने इस मेले के समापन अवसर पर स्टार नाइट का आयोजन किया था। इस आयोजन में ही फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल को 5 लाख रुपए मेहनताना देकर स्टार नाइट में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अमीषा पटेल अपनी सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार है के टाइटल सॉन्ग पर परफॉर्म कर स्टेज से नीचे उतर आई।
वही अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली भोपाल के बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर रविवार को अल्प प्रवास पर विदिशा पहुंची। वहां उन्होंने बंटी नगर स्थित तिवारी परिवार में पिछले दिनों हुई दुखद घटना को लेकर शोक जताया है। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा की और मध्य प्रदेश में शराबबंदी के सवाल पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा है कि मैं 100% समर्थन करती हूं और ये सभी को मत है कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराब से परिवार बिखर जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सनातनी परंपरा वाला देश है, लोग मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये शराबबंदी होनी चाहिए और मैं इसके समर्थन में हूं। आगे उन्होंने कहा कि गली गली अवैध शराब बिकती है, इससे सरकार का धन उपार्जन होता है और सरकार को राजस्व भी मिलता है। कहा गया है कि ऐसा ही नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारी शराब नहीं पीता है या समाज में लोग नहीं पीते हैं। जब सुविधा उपलब्ध होगी तो लोग पिएंगे ही, लेकिन शराबबंदी होनी चाहिए, शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। साथ ही सरकार इस पर विचार जरूर कर रही होगी, लेकिन हमारी आय के लिए कुछ और भी करना चाहिए। खबर बिहार के नालंदा से है, जहां पर तगादा करने के लिए घर से निकले एक व्यवसायी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये घटना तेलहड्डा थाना अंतर्गत सोनियावा गांव की है, जहां रविवार की शाम को बाइक पर सवार होकर नकाबपोश बदमाशों ने बीच सड़क पर ही व्यवसायी को गोलियों से भून डाला है। इस मौके पर ही व्यवसायी की मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर मौके से ही बदमाश फरार हो गए हैं, जबकि मृतका की पहचान काजी बाजार निवासी बद्री ठठेरा के 25 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई। तो वहीं धूमधाम से और जेवर की दुकानों में सोने के बेसर के पेंच की सप्लाई ये करता था, और घटना की सूचना मिलने के बाद आनंद फानन में ही हिलसा डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद दलबल के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। इधर व्यवसायी सोनी कुमार ने परिवार को बताया कि वो तगादा करने के लिए निकला हुआ था। ऐसे में तेलहड़ा में सुनियाड़ा गांव के पास ही बीच सड़क पर पहले घात लगाए बैठे बदमाशों ने अपराधियों ने गोली मार दी और फिर सर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से व्यवसायियों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर औरैया जिले की तहसील बिथुना से है, जहां पर इरवाकचरा में गांव शेखोपुर में चकबंदी अधिकारियों की अनदेखी के चलते पीड़ित ग्रामीण ग्राम प्रधान के नेतृत्व में समस्याओं के हल के लिए भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। साथ ही जिलाधिकारी के सामने न्याय की गुहार लगाई गई। और आपको बता दें कि शेखोपुर में चकबंदी का काम चल रहा है, जहां पर विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या को दरकिनार कर नियमों को ताक पर रखकर पैमाइश कर चक काटने का आरोप लगाया है। हमारी पुरानी जमीन है साहब, हमारी दूसरे ठंडी कर दी, हमें हमारी दे रही, शराब में हमें दे रही, और हमारी अच्छी वाली ले रही, नकद की बोरंग आती, दूसरे को पैसे दे, पैसा नहीं देता। हाँ, पैसा नहीं देता। क्या तो क्या आपसे किसी ने पैसे मांगे थे? हाँ, पैसा मांगे। किसने मांगे थे? हमारी इसका मुख्य प्रकरण ये है कि जो पहले चकबंदी हुई है पुराने प्रधान के कार्यकाल में हुई है, अब पिछले साल प्रधानी चेंज हो गई है, अब जो नए प्रधान आए हैं उनका मेन उद्देश्य है कि दोबारा चकबंदी हो, हमारे कार्यकाल में हमारे तरह चकबंदी हो, जो कि नियमानुसार संभव नहीं है। जो चकबंदी हो गई है उसी के आगे बढ़ाया जा सकता है। जो नए प्रधान बने, नई कमेटी बनी है, उनका ये दायित्व है, उनका ये कर्तव्य, उनको करना चाहिए कि जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार कर। अभी प्रतापगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक भाई ने ही अपनी ही बहन की गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि भाई बहन में महज मोबाइल को लेकर लड़ाई हुई थी और देखते ही देखते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि भाई ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटनामा में इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल बहन की हत्या के आरोपी भाई फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो एक खबर रायबरेली से है, जहां भू माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। मामला रायबरेली कोतवाली के मानंदपुर गांव का है, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर हिमांशु सिंह बेखौफ लोगों से रंगदारी मांग रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि दबंग हिस्ट्री शीटर ने पीड़ित से उसकी ही जमीन पर मकान बनवाने के लिए 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इसी के चलते पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर जान माल की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है।
प्लाट थोड़ा से ले रहे है, गरीब मनई आए और वो जो है कि हिमांशु यहाँ कहीं, अब वो जबरदस्ती बंदूक से लाठी से हर चीज से बनाने नहीं देता है। क्या क्या कह रहे हो? कह रहे हैं कि रुपया दिया तो बनावे दे भाई। कितना रुपया मांगा? 5 लाख मांगता है। यहाँ कहाँ आई हैं आप? कल लटरी में आई है। क्या कहा कप्तान साहब ने? कप्तान साहब तो कहे कि आपके नरला कप्तान के पास। क्या है मामला? हमने जमीन लिया है और हिमांशु सिंह बनवाने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसा दो तब बनवाने देंगे, नहीं तो हम बनवाने नहीं देंगे। कितने साल पहले खरीदी थी आपने? 4 साल पहले। तो अच्छा, आपसे रंगदारी मांगी जा रही है? हाँ, रंगदारी मांगी जा रही है। कह रहे हैं कि हम यहाँ जितने लोग लिए हैं जमीन सब हमको पैसा देते हैं तब हम बनवाने देते हैं। तो कप्तान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा। वहीं यूपी के बरेली में ग्राम विकास अधिकारी आलोक यादव पर 1 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है। विकास कार्यों के लिए आई रकम को ग्राम विकास अधिकारी आलोक यादव डकार गए हैं। यहां जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही विभागीय जांच भी इस वक्त शुरू कर दी गई है। जनवरी में 7 ग्राम पंचायतों में इन्होंने करीब 93 लाख रूपए 1 माह में निकाला है। अब जब इनसे ये अभिलेख मांगे गए कि किस कार्यों में ये पैसा खर्च किया गया है, तो ये कोई अभिलेख अभी प्रस्तुत नहीं कर पाए। इनको 3 नोटिस भी दिए गए हैं कि आप अपना मंतव्य इसके ऊपर प्रस्तुत करें, पर इनके द्वारा उन नोटिसेस को भी दरकिनार करके कोई भी अभिलेख कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसी कारण से इनको इस मैटर में सस्पेंड किया गया है। जो कार्य इनके द्वारा पहले भी कराए गए उनकी भी जांच की गई, तो उसमें देखा गया कि इन्होंने कोई भी लीगल प्रोसीजर फॉलो ना करते हुए, बिना किसी टेंडर, बिना किसी कोटेशन, बिना किसी फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो करते हुए